देश के लिए जिया हूँ, देश के लिए मरूंगा। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों आज बातें करेंगे पृथ्वीराज मूवी स्क्रीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 जून को थ्री मूवी क्लेश होने जा रही है, पृथ्वीराज विक्रम मेजर। दोस्तों एक तमिल मूवी है, एक तेलुगु मूवी है और एक हिंदी वर्जन मूवी है, मतलब कि बॉलीवुड की मूवी है पृथ्वीराज। दोस्तों हम विक्रम और मेजर का स्क्रीन के बारे में पता नहीं कि ये दोनों मूवी के क्या स्क्रीन मिलने वाली है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन दोस्तों पूरी इंडिया की बात करें तो पृथ्वीराज। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से बोले तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के कि पृथ्वीराज को 4,000 से 4,200 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बोले तो यार सूर्यवंशी मूवी 3600 स्क्रीन, वर्ल्ड वाइड 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं 5000 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड रिलीज होने की चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज मूवी को आपको बता दूं कि पृथ्वीराज बोले तो एक अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी है। YRF बोले तो एक बहुत बड़ी मूवी है दोस्तों, और ये एक ऐतिहासिक मूवी है। कहीं ना कहीं इस मूवी को लेके जो बज है ऑडियंस में, बहुत ज़्यादा बज है इस मूवी को लेके। अक्षय कुमार, मानुषी चिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद, बड़े बड़े कलाकार हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसके डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो कि एक अलग ही नाम है उनका, रियली बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर 4000 स्क्रीन मिलते हैं यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो यार कि क्या कलेक्शन आने वाली है। फर्स्ट डे कलेक्शन रियली बता रहा हूँ, पृथ्वीराज मूवी फाड़ने वाली है दोस्तों। और बाकी रहा विक्रम मेजर का सवाल दोस्तों, तो मेजर मूवी इज द ग्रेट मूवी, रियली सुपर मूवी, कोई डॉट नहीं, वो मूवी कमाल होगी दोस्तों। बस क्या है कि अभी अक्षय कुमार है, खिलाड़ी कुमार है, कोई नहीं चाहेगा यार थिएटर्स वाले की खिलाड़ी कुमार की मूवी को स्क्रीन कम दें और शो कम दें। सब चाहते हैं कि अक्षय कुमार की मूवी को स्क्रीन ज़्यादा ही मिलता। भाई खिलाड़ी कुमार है यार, उन्होंने थिएटर्स वालों को जिंदा वापस वो दौर दिखाया है जो दौर देखने के लिए वो लोग 2 साल से वेट कर रहे थे। रियली बता रहा हूँ, ये चीज़, ये एक सच्चाई है कि बेल बटम से उन्होंने थिएटर्स खुलवाया और सूर्यवंशी से उन्होंने थिएटर्स वाले का कमाई करवाया, रियली। तो दोस्तों अक्षय कुमार को अगर इतने स्क्रीन मिल गए तो मूवी फाड़ देगी, पूरी की पूरी अंगार लगा देगी। अगर मूवी की जो कहानी है पब्लिक के बीच अगर घर कर गई और अच्छा डायरेक्शन, अच्छा एक्टिंग वगैरह मिल गया मूवी के अंदर, तो भाई फिर तो यार अलग ही बवाल करेगी वो स्क्रीन पे, रियली। तो आप लोगों की क्या राय है आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।